नमस्कार। लौ सिंह के साथ इस समय आप ब्रह्मपुर बाबा परमेश्वरनाथ की धरती पर हैं। यहाँ पर अभी अभी चेतक प्रतियोगिता संपन्न हुई है और इसमें मुख्य जो निर्णायक कह लीजिए या कमेटी के सदस्य हैं पंकज त्रिपाठी जी ब्रह्मपुर की धरती पर इस समय मौजूद है। हमेशा से एक पंकज त्रिपाठी जी का नाम ब्रह्मपुर के मेले से और एक हर कड़ी से जुड़ा हुआ रहता है। आइए हम थोड़ा सा जानेंगे कि किस प्रकार से ये चेतक प्रतियोगिता रही और क्या क्या इनकी तैयारियां रही। बहुत बहुत स्वागत है पंकज त्रिपाठी जी। जी धन्यवाद आपका, आपके चैनल का भी। क्या हालचाल है इस बार ब्रह्मपुर मेले के? अगर शुरुआत से हम बात करें तो काफी खींचतान चलते आ रही थी और किन बातों को लेकर हमेशा ये हर साल जब भी लोग यहाँ पर पहुँचने वाले रहते हैं उससे पहले हम देखते हैं हमेशा ये खींचतान लगी रहती है, वजह क्या है और मकसद क्या है? वजह लोगों का था यहाँ पे मेला पर अपना बंसावली दिखाना, जो कि बाबा परमेश्वरनाथ की कृपा से सफल नहीं रहा है। लोगों का प्रयास, घोड़े वालों का सहयोग, घोड़े मालिकों के सहयोग से मेला शानदार रूप से लगा, प्रतियोगिता भी शानदार ढंग से हुई, जैसा कि आपने भाग लिया भी, देखा भी, आपने पूरे मेले को कवर किया भी है, आज रेस को भी आपने कवर किया है, तो आप देखे होंगे कि जो भी व्यवस्था रही है अभूतपूर्व रही है। आगे क्या अंदेशा लगाया जाए कि आने वाले समय में जो भी ब्रह्मपुर का ये मेला लगेगा तो क्या फिर से वही खींचतान का सामना लोगों को आने से पहले करना पड़ेगा या चीजें अब स्पष्ट तरीके से हो गई हैं कि मेला अब जैसे चलता रहा था पुराने जगह पे वही चलेगा? ये खींचतान का आखिरी समय था, अब सारी खींचतान समाप्त हो चुकी है। जब आप अगली बार इसमें भाग लेंगे, जब अगली बार इसको कवर करेंगे तो आपको पता चलेगा इससे दुगने अच्छे ढंग से मेला को लगाया जाए। इस बार जो भी चेतक प्रतियोगिता रही, जैसा कि कभी कभी हम ब्रह्मपुर को या पीछे वाले समय में इसको हम मानते थे कि ये सुप्रीम कोर्ट मानी जाती है, पर बीच में कुछ स्थितियां बिगड़ गई और रेस में आपने देखा भी होगा, पर इस बार प्रयास पंकज त्रिपाठी जी का काफी अच्छा रहा। और जानते हैं कि चेतक प्रतियोगिता की तैयारी इन्होंने किस रूप में की और इतनी बेहतर तरीके से इसको संपन्न कराने के लिए क्या प्रयास किए? आपने आपका मुख्य प्रयास क्या था इस चेतक प्रतियोगिता को इतने बेहतर ढंग से करके एक बार फिर से दिखाने के? मेरा प्रयास नहीं, पूरे मेले के प्रयास से जो कुछ भी संभव हुआ है, ऊपर से बाबा की कृपा रही है। मैं क्या हूँ, मेरे एक प्रयास से क्या होने वाला है? मेला मेल का जगह है और सारे लोग मिल के जब प्रयास करते हैं तो कोई कार्यक्रम सफल होता है, और सभी लोगों का प्रयास, सभी लोगों की इसके प्रति जागरूकता थी कि मेला पूर्व से जो इसके नाम पे बर्बादी हुई है वो आगे ना हो और मेला बढ़िया ढंग से लग पाए। सबका प्रयास सफल रहा है, बाबा की कृपा हम लोगों पे बनी रही है, जिसके वजह से पूरा का पूरा प्रयास सफल रहा है। क्या फाइनल के अगर रिजल्ट की बात करें तो क्या रिजल्ट है? फाइनल का रिजल्ट है एक नंबर पर हरेराम सिंह मुखिया झुआ, दूसरे नंबर पे सिंकू मिश्रा रोहतास, तीसरे नंबर पे आशीष लेखपाल और चौथे नंबर पर प्रपीण ठेकेदार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।